दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों इस समय जो हम हल्दौर में खड़े हैं और ये हल्दौर जो कस्बा है ज़िला बिजनौर के अंतर्गत आता है, एक ये ब्लॉक है और यहाँ पर जो है रेलवे क्रॉसिंग है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर ट्रेनों का जो आवागमन होता है उस कारण जो है जाम भी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रिज वगैरह बना हुआ नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको जो है मनोकामना सिद्धपूर्ण महालक्ष्मी मंदिर जो मोहनपुर में है, काफ़ी बड़ा सिद्धपीठ मंदिर वहाँ पर है। इस समय नवरात्र का समय चल रहा है, तो यहाँ से लगभग जो मोहनपुर की दूरी है वो 6 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से ये जो मार्ग जाता है, ये यहाँ से अमेढ़ा को होते हुए यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और अगर ज़िला बिजनौर से जो चांदपुर के लिए जो रोड जाती है वहाँ से भी आप यहाँ जा सकते हैं। तो इस अब हमारी जो यात्रा है वो जो है मोहनपुर के लिए शुरू होती है। दोस्तों यहाँ पर ये जो रोड है हल्दौर से चांदपुर के लिए जाती है, यहाँ से जो है मोहनपुर गांव का जो रास्ता है वो प्रारंभ होता है। दोस्तों इस समय हम जो ग्राम मोहनपुर में पहुँच चुके हैं, ये मोहनपुर में जो है माता रानी का जो स्थान है, माता लक्ष्मी रानी का, उस मंदिर पर इस समय हम खड़े हैं। तो मंदिर की जो संपूर्ण जानकारी है यहाँ के जो भी पुजारी जी हैं उनसे भी हम लेंगे, और जो यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग आए हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ से आते हैं और इस मंदिर की क्या मान्यता है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो मनोकामना पूर्ण सिद्ध महालक्ष्मी मंदिर ग्राम मोहनपुर का है, और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग जो आते हैं। हालांकि यहाँ का जो दिन है वो शुक्रवार का विशेष दिन माना जाता है, लेकिन अब नवरात्र चल रहे हैं इस कारण से भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इस मंदिर में दर्शन करने के लिए माता रानी के आ रहे हैं। तो हम आपको आगे लिए चलते हैं मंदिर के प्रांगण की ओर। ये देखिए यहाँ का बहुत अच्छा वातावरण है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो गांव था यहाँ पर एक मिट्टी का बहुत बड़ा एक खेड़ा स्वरूप था, मतलब यहाँ पर एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर था यहाँ पर। तो यहीं पर जो है माता रानी अवतरित हुई थी। ये देखिए अब तो यहाँ पर बहुत अधिक विकास हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं। देखिए नवरात्रों का समय चल रहा है, इस समय जो है माता रानी के जो दरबार में काफ़ी श्रद्धालु जो हैं काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। कुछ श्रद्धालु से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? बबली। बबली, तो आप कहाँ से आए हैं जी? चांदपुर से। चांदपुर से जी। तो यहाँ पर जो है काफी दूर दूर से आते हैं जी? जी हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो पहले भी आए हैं या? हाँ पहले भी आए हैं। पहले भी आए हैं जी। अच्छा अच्छा, मनोकामना मंदिर है। अच्छा, तो मंदिर के बारे में हमने बहुत सुना है यहाँ पर। हाँ, सुना। सब पूरी होती है देवी। अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम है बच्चा आपको? तनिष्का। अच्छा, तो आप भी इन्हीं के साथ आए हैं? जी हाँ, ये सब हम देखिए हम तो परिवार के साथ आया है। हाँ, और मैंने तो यहाँ देखा कि दिल्ली मुंबई वगैरह से भी लोग आते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है विशेष दिन साल शुक्रवार के दिन जाते हैं, सोमवार और शुक्रवार, दो दिन। तो यहाँ पर जो भंडारा वगैरह भी चलता है? हाँ, वो चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, भंडारा वो चल रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पर सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है भंडारा चलता रहता है। देखिए आप मंदिर के आप दर्शन कर लीजिए, माता रानी का ये मंदिर है, माता लक्ष्मी का। जय माता। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर करुणा। अच्छा जी, तो आप कहाँ से आए? हम तो दिल्ली से आए। दिल्ली से आए? अच्छा, तो यहाँ तो काफी दूर दूर से भी भक्त लोग आते हैं। नहीं, घर है हमारा, हम तो साथ। घर भी मोहनपुर में ही है? हाँ जी। और ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, जो मंदिर के प्रबंधक है यहाँ की जो देख रेख में यहाँ पर जो भी कार्य होता है, भंडारा इत्यादि होता है, जो भक्त लोग आते हैं उनके भी सब व्यवस्था की यहाँ देखते हैं, तो धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। तो धर्मेंद्र जी ये बताइए, ये मंदिर की जो स्थापना कब हुई थी, क्या इसका? मंदिर की स्थापना 2005 में हुई है जी, और हर फ्राइडे को यहाँ पे भंडारा होता है जी भक्तों की तरफ से, जो करीबन 6-6 साल पहले भंडारे बुक किए जाते हैं, और 8 दिसंबर को वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। उसमें तो लाखों व्यक्ति यहाँ पे आते हैं। 8 दिसंबर? 8 दिसंबर। अच्छा, और वैसे करीबन 4-5 हज़ार व्यक्ति आते ही आते हैं हर फ्राइडे को जो भंडारा होता है, पूरी इंडिया से ही दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। अच्छा, अच्छा, जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी तो ये कहानी थी, उससे कुछ आधारित क्या कहानी थी? सबसे पहले जो नरेंद्र गिरी जी हैं, नरेंद्र गिरी महाराज जी हैं, तो 2005 में अपने प्रकाश के रूप में उन्हें माता जी ने दर्शन दिए थे। अच्छा, यहाँ पे। और उसके उस समय उनकी एज करीबन 11-12 साल एज थी उनकी। तो आज वो नरेंद्र गिरी जी हैं, महाराज जी हैं, और उसके बाद भक्तों की जैसे मनोकामना पूरी होती रही, तब से अपनी मनोकामना जैसे कोई लेके आता है वैसी। अच्छा, हाँ। तो कहाँ कहाँ से भक्त लोग आते हैं? हर जगह से आते हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, जो यहाँ से, मतलब पूरी इंडिया से आते हैं। भागलपुर बिहार कहाँ है वहाँ से भी आते हैं।
हाँ। अच्छा, जैसे जिन लोगों को जानकारी अभी नहीं है मंदिर के बारे में, अगर वो आना चाहें तो उनके लिए क्या रूट रहेगा, कैसे आएंगे? उनके लिए अगर बाई बस आना है तो हल्दौर चांदपुर रोड है, मोहनपुर बस अड्डा, वहाँ से आ सकते हैं। अच्छा जी जी, मतलब चांदपुर की तरफ से भी आ सकते हैं और बिजनौर की तरफ से भी आ सकते हैं। हाँ हाँ। और ट्रेन से आना है तो जो गजरौला और नजीबाबाद रेल मार्ग है, सिसोना स्टेशन है ना, तो वहाँ से आ सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ नजदीक का जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा पड़ता है? सिसोना वहाँ उतरना पड़ेगा, तो सिसोना से 2 किलोमीटर लगभग है। हाँ, सिर्फ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। हाँ। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर का जो है मात्र स्टेशन यहाँ पर है, जो गाड़ी से आना चाहते हैं, गजरौला से आना चाहते हैं या नजीबाबाद साइड से आना चाहते हैं, तो वो रेलवे मतलब स्टेशन गाड़ी के द्वारा भी आ सकते हैं। धन्यवाद जी आपका जानकारी देने के लिए। ओके, क्या नाम है जी आपका सरदार जी? मेरा नाम यशप्रीत सिंह शुभम है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से, वैसे हरकिशनपुर हरकिशनपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर नूरपुर के पास पड़ता है। हाँ जी, मुरादाबाद रोड पे जो पड़ता है, वहाँ से आए हैं। फैमिली के साथ आए हम लोग। क्या नाम है जी आपका? प्रीति। हाँ, तो मंदिर के बारे में क्या जानती हैं? पहली बार आई हूँ मैं। अच्छा, पहली बार आए हैं, हसनपुरा से आए हैं आप? हसनपुरा से आए हैं। अच्छा जी, माता जी आप बताइए। मंदिर के बारे में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। जी जी जी। और दर्शन करने के लिए आए हैं? पहले भी आए हैं जी, दोबारा आए हैं। अच्छा अच्छा, तो एक बार पहले आए हैं, जो आते हैं मतलब। हाँ जी, कब मनोकामना पूरी लेकर आते हैं? श्रद्धा लेकर आते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ जो है यहाँ पर किसान लोग का गांव है, तो यहाँ पर खेती होती है, गन्ना और गेहूँ इत्यादि जो है फसलें वो यहाँ पर पैदा की जाती हैं। क्योंकि ये पहले यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये किसान ही थे जिनके खेत में जो है माता रानी का जो है प्रतापरण हुआ है, तो यहाँ पर ही मंदिर का निर्माण किया गया। जैसा कि उन्होंने बताया था कि उनके जो सपने में माता रानी आई थी और लक्ष्मी जी उनको सपने में दिखाई दी, तो तभी ये मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया। तो पीछे आप जो देख सकते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु सिद्धपीठ मंदिर, यानी कि अन्य जो देवी देवता हैं, जो भगवान हैं, उनके भी यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा, यहाँ का आपको दूर दूर से श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे। मुख्य रूप से अगर शुक्रवार और सोमवार का जो दिन है वह यहाँ के लिए विशेष माना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें।